Hi, welcome to the Mohua show. My name is Mohua Chenappa and I am an author, entrepreneur and ex-housewife. This podcast is about everything from business to technology to arts to lifestyle but done and spoken imandari se. Hi, in this episode we have with us Varsha Singh Danoa. Varsha has changed the course of her life with a super duper hit song Kon Disa Me Chalare batohia This song is being heard across social media channels used on Reels, and it's beautiful the way Varsha has sung this old song from the 1982 film Nadia Kebar. The song that may have gotten lost and has been now sung much, much better by Varsha.

हम चारों बहनों में वो पहले तीन के साथ ट्राई कर चुकी थी कि ये लोग गाते हैं या कुछ म्यूजिकल है कि नहीं तो वो लोग तो नहीं थे उनमें से एक बहन थोड़ा बहुत गाती थी फोर्थ मैं थी सबसे छोटी थी तो उन्होंने मुझे रथ का टपल जो आता था पहले उसको बजाने के लिए दिया और संग सिर्फ सा लगाने के लिए दिया एंड आई वाज आई गेस 4 1/2 इयर ओल्ड दैट टाइम सो मैंने अपने हिसाब से यू नो रिदम बना के uh, बजा दी तो वो बहुत सरप्राइज हो गई इस बात को देख के तब से उन्होंने मुझे जो थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया और वहां से ऐसे मेरा म्यूजिक शुरू हुआ तो तब लोग कहते थे क्या चिल्ला चिल्ला के गाती है तू तो? अरे तू मत गाया कर यू नो लेकिन मैंने फिर वो पैशन छोड़ा नहीं और ना मेरी मम्मी ने उसको छुड़वाने दिया वहां से करते करते पास किया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक गुरुजी मेरे, जी मेरे आलोक बनर्जी जी तो वो उनके पास दाखिला करवाया और वो भी चुपचाप क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं था वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे तो बस वहां से मैंने छुप छुप के संगीत सीखना शुरू किया आज पूरी दुनिया जो देख रही है वो उसी संगीत के सीखे हुए और मेरी माँ की मेहनत है उसके पीछे हालांकि ग्रेजुअली पापा भी साथ हो गए थे लेकिन यहाँ तो आपकी जो अर्लीस्ट मेमोरी है जो कोई गाना है वर्षा हम तो सब लोग आपका ही गाना सुन रहे हैं जो आपके दिल को ऐसे छू गई कि वो कभी इट नेवर लेफ्ट योर हार्ट कौन सा वाला ये वाला एक सॉन्ग है मम्मी ने मुझे सिखाया था थोड़ा बहुत जो भी संगीत था तो उसमें क्या था एक गाना था संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे तो वो मेरा सबसे पहला गाना था जो मैंने गाना सीखा था जब मैं म्यूजिक शुरू कर रही थी सो मैं गुनगुना देती हूं कुछ इस तरीके से Hmm. संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे संसार से भागे फिरते हो मेरे पास वर्ड्स नहीं है माय गॉड वर्षा तुम तो गॉड गिफ्टेड हो बिल्कुल तुम्हारी म्यूजिकल इंस्पिरेशन कहाँ से शुरू हुई इंस्पिरेशन तो मेरी मॉमी रही बिकॉज उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है स्कूल स्कूल में प्रिंसिपल थी वो चार चार बच्चे थे उनको पालना फिर घर का खर्चा यू you नो know, बहुत पैसे सभी की यही जर्नी आए गेस बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे थोड़ा थोड़ा जोड़ के और वो सारा थी है और हमेशा रहेंगी वो अब इस दुनिया में है नहीं तो वही है मतलब पहली और आखिरी तो मेरी और तुम्हारी जब बात हो रही थी वर्षा यू डिड मेंशन टू मी जब यू नो यू रेजिंग योर चाइल्ड कुछ टाइम के लिए तुमने संगीत छोड़ दिया था तो उस फेज के बारे में जरा बताओ हमारे सुनने वालों को एक्चुअली हुआ यह था कि जब मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया था तो मैं एक रियलिटी शो करने के लिए आई थी वो रियलिटी शो था आ, एक्स फैक्टर वो एक्स फैक्टर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि है मेरे अंदर कुछ ऐसा जो मैं कर सकती हूँ मैं काफी अच्छे लेवल तक पहुंची थी सोनू निगम जी की टीम में थी उस वक्त फिर मैंने इंडियन आइडल किया और आ, करते करते मैं स्क्रैचेस गाने शुरू करे बहुत बड़े बड़े फिल्मों के स्क्रैचेस गए बट एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर लोगों ने उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी और ये कनेक्टेड है इसलिए मैं शुरू से बता रही हूँ जा इस, इस तो यूपी से आई है हाँ ठीक है you know? वो सारी चीजें घर करती थी करती रही करती थी देन मैं गुरु से मिली जो मेरे हस्बैंड है उनसे मिलने के बाद मुझे उन्होंने रियलाइज कराया की में बहुत पोटेंशियल है वर्षा तुम बहुत कुछ कर सकती हो तब मैं ऐड इंडस्ट्री में मूव हुई और एंड एड इंडस्ट्री में मैंने जिंगल्स गाने शुरू करे और फिर मैंने वहाँ से अपना एक एड इंडस्ट्री में करियर बना लिया फिर मैंने ये सोचा कि अगर मुझे पूरी दुनिया में अपना नाम करना है उससे पहले मुझे मेरी फैमिली प्रायोरिटी पे चाहिए मुझे मेरी एक फैमिली बनानी है मैं जब करियर बना लूंगी तब शायद मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाएगा इन सब चीज़ों का कि मैं शादी करूँ या एक प्यारी सी बेबी या एक बेटा लेकर आऊ अपनी जिंदगी में तो हमने डिसाइड किया कि हम अब मदर रोड और फादर रोड की तरफ चलेंगे तो वहां मैंने अपनी प्यारी सी बेटी गुरबानी को जन्म दिया ड्यूरिंग पीरियड उसके बाद आई हैव डिसाइडेड करियर बनता रहेगा मुझे गुरबानी को अच्छी परवरिश देनी है अच्छे से पालना है कोई मेड नहीं रखनी मुझे गुरबानी के लिए तो वो जो चार साल का गैप था वो गैप मैंने मेरी बेटी को दिया है उसके बाद जब आज वो साढ़े चार साल की हो गई है तो अभी कुछ टाइम पहले से ही मैं एकदम लाइम लाइट में आई हूं और मैं बिल्कुल वैसे ही शुरू किया तो चार साल बहुत बड़ा गैप है लोगों ने मुझे शोज देने बंद कर दिए थे अरे आप मोटी लग रही है लोगों को मालूम ही नहीं है माधो रोडो एक्चुअली होता क्या है तो मुझे उन लोगों से कोई भी शिकायत नहीं है शिकवे नहीं है जो हो गया सो हो गया लेकिन इस वक्त वही लोग वहा कर रहे हैं इस संगीत को जो मैंने इतने प्यार से सीखा है महसूस तो बंद हो गया है पता नहीं मैं ये ऊपर वाले से कह रही हूँ हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ मुझे महसूस करवाओ मैं नंबर फाइव पर हूँ ट्रेंडिंग में इंडिया में बट वो आई नहीं रहा अंदर इतना स्ट्रगल इतना सब कुछ झेल के जब आए ना तो वो पता नहीं क्या हो गया नहीं कर पा रही हूँ मैं महसूस तो अब मैं क्या बताऊँ इसमें बस मुझे लग रहा है समथिंग इज हैपनिंग बस इतना वंडरफुल वर्षा तो वर्षा क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए म्यूजिक इंडस्ट्री में और उन चीजों को कैसे आपने ओवरकम किया बिकॉज हमारे जो सुनने वाले बहुत सारे बच्चे हैं यंगस्टर्स हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं होगा वो कैन एक्सप्लेन टू दैम मीनू इंडस्ट्री एज एजो प्ले बैक सिंगिंग सबसे पहले मैं जिस माइंड सेट से आई थी वो माइंड सेट आई एम श्योर हंड्रेड परसेंट उन सिंगर्स का होगा जिस माइंडसेट से मैं आई थी कि मैं बॉम्बे जाऊंगी मुझे कोई म्यूजिक डायरेक्टर एक गाना देगा उसके बाद मेरे पीछे ब्यूटी पार्लर वाली होगी यू नो ब्यूटिशन होगी मेरी ड्रेस डिजाइनर होगी लोग मेरे कैमरे से फोटो खींच रहे होंगे ये माइंडसेट लेके मैं मुंबई आई थी नो बहुत ही बचकानी हरकत है ये कि आप ये सोच के आते हो आप बहुत वाइड नहीं सोचते हो तो जितने भी हैं इस वक्त सिंगर्स जो बनना चाहते हैं उन सबको बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपको वहां से दिखता है वो यहां पर होता नहीं है यहाँ पर बहुत मेहनत है एट टू एट जॉब नहीं है ये यहाँ पर ट्वेंटी फोर आवर्स भी लग जाते हैं आपको म्यूजिक बनाने में लेकिन जो सिंगर्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ क्लासिकल सीखना बेहद जरूरी है सिर्फ क्लासिकल ही नहीं अगर आपको क्लासिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो लाइट क्लासिकल जरूर सीखें अरिजीत सिंह कहाँ है आज आप खुद देख लें श्रेया घोषाल जी कहाँ हैं आप खुद देख लें सुनिधि सोनू निगम वो सब सीखे हुए हैं एक डॉक्टर को डिग्री चाहिए होती है ऑपरेशन करने के लिए क्यों चाहिए होती है उसको पॉलिश करना होता है ना वरना तो किसी का भी वो ऑपरेशन करे वो तो मर जाए अगर उसके पास डिग्री नहीं हो डिग्री तभी मिलती है कि हमारा गला है क्या क्या है ठीक है कर लेंगे हम हो जाएगा ये तो मेरा नेचुरल वॉइस है मैं तो कर सकती हूँ नहीं प्लीज हाथ जोड़ के विनती है सब लोग एटलीस्ट अपने गले को पॉलिश करें, बहुत एक्सरसाइजेस है उसको पॉलिश करें और फिर इस, इन, इस इंडस्ट्री में आने की सोचे क्योंकि यहाँ पर पैसा है अगर आप पॉपुलर हो गए लेकिन अगर आप पॉपुलर नहीं हैं तो आप स्ट्रगल ही करें अब आप ये डिसाइड करिए कि आपको छोटे लेवल पे फेमस होना है या फिर बड़े लेवल पे फेमस होना है रिश्ते काफी बदल जाते हैं जब इंसान के पास सक्सेस आती है यू you नो know? और वो आसान नहीं होता है क्योंकि हमको बहुत सारे रियलिटी दिख जाते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके सक्सेस के साथ खुश नहीं होते हैं बहुत सारे दोस्त छूट जाते हैं ऐसे कुछ आपके साथ भी हुआ है वर्षा मैंने तो नहीं छोड़ा है लेकिन मुझे लोगों ने छोड़ा है और मैं खुल के ये बात बोलना चाहती हूँ की मैंने मैंने यू नो आज अगर मुझे थोड़ी बहुत सक्सेस मिली है ये बात मैंने आई थिंक कुछ साल पहले ही अपने हस्बैंड को बोल दी थी कि मुझे जब भी जब भी मुझे सक्सेस मिलेगी ना मैं अपने आप को बिल्कुल ग्राउंडेड रखना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए क्या करूँ उसके लिए मैंने लिटरली मेडिटेशन सोच विचार की करके रखा है पहले क्योंकि मुझे मेरी वॉइस पे बहुत ज्यादा भरोसा था है कि मैं एक ना एक दिन तो बनूंगी तो वो पहले से ही मैंने करके रखा है कि मुझे जिन लोगों से मैं बात करती हुई आ रही हूँ उन लोगों के साथ मैं हमेशा रिलेशनशिप बना के रखूंगी ही रख। सक्सेस मिल जाने से आपका काम ज्यादा हो जाता है इस वजह से आप बात नहीं कर पाते हो लेकिन मैं वैसे की वैसे ही रहूंगी और ये ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि हम ह्यूमन ही है ना आपस में मिल बांट के रहेंगे तभी हम चल पाएंगे आप मैं दूसरे शहर से शहर में आई हूँ अगर यही लोग मेरे आसपास नहीं रहेंगे तो मैं अकेले घंटा कुछ नहीं कर पाऊंगी तो वर्षा एक और चीज जो बताओ हमें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स परफॉर्मेंसेस जो तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं उनमें से मैं भी एक हूँ क्या लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं नियर फ्यूचर मेरे ओरिजिनल गाने मैं बना बना के स्पॉटिफाई पे डाल रही हूँ स्पॉटिफाई नहीं बाकी सारे ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म पे डाल रही हूँ अब उनको एक पुष्ट मिल गया है तो आप मेरे ओरिजिनल्स भी सुन सकते हैं बावरे साले बंजारा मन में ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ और अमित त्रिवेदी जी के लिए मैंने उनके एल्बम के लिए एक पूरा गाना गाया वो भी इस कौन दसा के बाद उनकी तरफ से मुझे कॉल आया था और मुझे वहां उन्होंने मुझे बुलाया फिल्मों के गाने गाए एक साले आशिक मूवी आ रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नूरानी चेहरा आ रही है उसमें मैंने टाइटल ट्रैक गाया देन अभी हाल फिलहाल में मैंने हड्डी के लिए भी गाया जो नवाजुद्दीन जिसमे एक फीमेल कैरेक्टर उन्होंने निभाया है उसके लिए भी मैंने एक गाना गाया है अभी फिलहाल यही है शोज मेरे शुरू होने वाले हैं और फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि एक रॉक स्टार की कैटेगरी में लोग मुझे डाल देंगे बिकॉज जो मेरा प्यार है ना स्टेज के लिए रोती थी मैं कि मुझे कैसे भी परफॉर्म करना है स्टेज छोटा हो बड़ा हो बस वो अब शुरू होने वाला है तो लोग बैक टू बैक देखेंगे कि वर्षा आज यहाँ वर्षा आज वहां है वर्षा आज यहाँ वर्षा जो है एंड रेडियो इंटरव्यूज भी हो रहे हैं <laughs> और ये पॉडकास्ट की भी इंटरव्यू हो रही है मेरे साथ और तुम्हारा जो बैगलोर में शो होगा आई वॉन्ट टू बी राइट इन फ्रंट हियरिंग फॉर यू पर तुम्हें मैं जाने तो नहीं दूंगी वर्षा बिना कुछ लाइन सुने तुमसे कौन दिशा हाँ कौन दिशा में लेके चला रे बटो ही कौन देसा में कौन दिशा में लेके चला रे बटो ही अब कौन देसा ठहर है

Wishing you lots and lots of luck for your future. And we know that you are going to be changing the course of your life even more as you go ahead. And this was Varsha Singh Thanoya for us with a super duper hit song Condissa. Thank you, Varsha, for being on today's podcast. Thank you, thank you so much, Mawa. To you, our dearest listeners, you can find us on your favorite streaming services, Spotify, Amazon Music. Apple podcast and of course on all other major streaming services with loads of love we are the Mohua show where we talk imandari se